है और आप। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है, आप बिहार एक सोच देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन है, और ऐसे में सदन शुरू हुआ उसके बाद बवाल हो गया सदन में, जिसके कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। देखिए, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। तेजस्वी यादव जब सदन में बोल रहे थे तो विपक्ष के नेताओं ने कुर्सियां चलाना शुरू कर दिया। देखिए, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सदन में आज बीजेपी के विधायक की तरफ से कुर्सी चलाने की खबर सामने आ रही है और सदन के कार्यों को स्थगित कर दिया गया है कुछ देरों के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है। लगातार जिस प्रकार जहरीली शराब कांड से लोगों की मौत हो रही है, छपरा में धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उस पर लगातार विपक्ष वाले महागठबंधन के सरकार को घेर रहे हैं, यानी कि जो अभी मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, उस पर केवल सवाल उठ रहे हैं जहरीली शराब कांड को लेकर। छपरा में लगातार मौत हो रही, लेकिन आज सदन में जिस प्रकार भारी बवाल हुआ है और कुर्सियां चलाने तक की खबर सामने आ रही है, आपको हम तस्वीर में दिखाए हैं शुरू में किस प्रकार तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब सदन में बोल रहे थे तो विपक्ष के नेता ने कुर्सी चलाना शुरू कर दिया, सदन में कुर्सी भी फेंके गए हैं, ऐसे खबर सामने आ रहे हैं। लगातार बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही जहरीली शराब को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और छपरा में लगातार जहरीली शराब कांड से मरने की भी तादाद लोगों की बढ़ती जा रही है, आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जहरीली शराब कांड को लेकर। लेकिन आज सदन में जिस प्रकार बवाल मचा, ये कहीं ना कहीं आपस में सोचने वाली बात है। और जिस प्रकार कुर्सी चलाने की भी खबर सामने आ रही है, जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो इधर से विपक्ष वाले कुर्सी फेंकना शुरू कर दिए सदन में। लगातार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, आप बिहार की सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।